सीएचसी कामदारा परिसर में मंगलवार को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेला में प्रमुख रूप से टीबी यक्ष्मा रोग के लिए विशेष स्टॉल लगाया था, जिसमें लोगों के बीच टीबी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही टीबी रोग के महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई, जैसे रोग के लक्षण, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त इलाज उपचार तथा सरकारी सहायता राशि के बारे में बताया गया। साथ ही प्रखंड उपचारित 22 मरीजों के बीच प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पोषण किट का वितरण विभिन्न निक्षय मित्रों द्वारा किया गया और संभावित मरीजों की पहचान कर प्रयोगशाला में जांच के लिए बलगम संग्रहित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बसिया अनुमंडल पदाधिकारी संजय पीएम कुजूर ने कहा कि सरकार ग्रामीणों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य मेला का आयोजन की है। इस मेला में ग्रामीण भरपूर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लें। आगे उन्होंने कहा कि ग्रामीण मरीज झोला छाप के चक्कर में न पड़े, किसी भी तरह की बीमारी होने पर अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से परामर्श लेने की सलाह दी। स्वास्थ्य मेला में बीडीओ अमृता प्रियंका एक्का की पहल पर पेंशन कैंप लगाया गया, जिसमें नागरिक सहायता केंद्र की जिनित होरो और प्यारी के द्वारा लोगों को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और आयुष्मान कार्ड बनाने में सहायता प्रदान की गई। मौके पर प्रदान के अंकित टंडन की अहम भूमिका रही। राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।